वाले हैं एक स्पेशल सी रेसिपी, तो चलिए चलते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कचरी की एक स्पेशल रेसिपी, यह है कचरी। काफ़ी सारे लोग इसको काचरी भी बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग इसको कचरिया भी बोलते हैं, हम इसको खरबूजे की छोटी बहन भी बोलते हैं और इसको स्मॉल मेलन भी बोला जाता है। तो इसकी चटनी भी बनाई जाती है, सब्जी भी बनाई जाती है, लेकिन आज मैं इसकी एक स्पेशल एकदम नई रेसिपी बनाने वाली हूँ जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो ये है कचरी, मैंने एक बड़े बर्तन में ली हुई है। आपको जितनी रेसिपी बनानी है उतनी आप कचरी ले लीजिए और अब इसको 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद एक कपड़े से पोंछ भी लिया है इनको रगड़ रगड़ के। तो अब क्या करना है, इनको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर आप इनको छीलना चाहो तो आप इनको छील भी सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रूट है, सब्जी भी है ये, जिसको हम छीलकर भी खा सकते हैं और बिना छीले भी खा सकते हैं। लेकिन मैं इसको छील नहीं रही हूँ, बस साइड से थोड़ा सा इसका ये डंठल हटा देंगे और इसको बड़े बड़े भागों में कट कर लेंगे। अगर आप इनको छीलकर बनाना चाहते हो तो आप इसका छिलका भी हटा सकते हो। तो अब इसके हम बड़े बड़े पीसेस कर लेंगे और जो इसके बीज हैं उनको हम यूज नहीं कर रहे हैं इस रेसिपी में, लेकिन बीजों से भी काफी अच्छी रेसिपीज बनाई जाती हैं, वो एक वीडियो में जरूर शेयर करेंगे आगे। तो फिलहाल हम बीजों को एक साइड में निकाल देंगे। अगर आपके घर में मिट्टी वाले गमले हैं तो आप इन बीजों को उसमें भी डाल सकते हो। तो अब हम बीजों को निकाल देंगे। तो इसी तरीके से हम सभी कचरी को बड़े बड़े भागों में कट कर लेंगे और बीजों को अलग निकाल देंगे। कचरी को मैंने बड़े बड़े भागों में कट कर लिया है और एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप कचरी कट करें तो आप उनको थोड़ा सा चख कर देख लें, क्योंकि काफ़ी सारी कचरी कभी कभी कड़वी भी निकल जाती हैं। तो आप इस जब कचरी काटें इस बात का ध्यान रखें और कचरी को इस रेसिपी के लिए बड़े बड़े भागों में ही कट करें, तभी वो ज़्यादा अच्छी लगती है और रेसिपी बेहद ही अच्छी बनकर आती है।
तो कचरी तो कट चुकी है, अब इसमें लगाते हैं हम टेस्ट का तड़का। कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, तेल मैंने सरसों का लिया हुआ है, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हो, और उसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच काली सरसों। साथ ही डालेंगे हम 1/2 चम्मच अजवाइन और करी पत्ता। इनको चला देंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चना दाल और 2 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे हम मूंगफली दाना। ये मूंगफली दाना हो गया, और इसमें ऐड करने वाले हम थोड़े से ही मसाले, ज्यादा मसाले हम यूज नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, ये नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। तो इनको अच्छे से मिलाकर 15 से 20 सेकंड के लिए कुक करेंगे बस। तो 20 सेकंड हो चुके हैं और अब इसमें मैंने ऐड कर दी है जो हमें बड़े बड़े पीसेज में कचरी काट के रखी हुई थी इसको। तो इसको मैं डालने के बाद अब गैस को मैंने कर दिया है बिल्कुल बंद। तो जैसे हम कचरी ऐड करेंगे गैस को तुरंत बंद कर देना है और सारे मसाले हम ऐड कर देंगे। देखिए मैंने गैस को बंद किया हुआ है और सारे जो हमने ये तड़का तैयार किया हुआ है इसमें अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें ऐड कर रहे हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अगर आप हरी मिर्च को पहले ऐड करना चाहते हैं तो पहले भी ऐड कर सकते हैं तड़का लगाते समय। और ये मैंने हरा धनिया डाल दिया है, लेकिन हरी मिर्ची बाद में डालने पर भी ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने हरी मिर्ची को बाद में ऐड किया है। सभी को अच्छे से मिला देंगे और इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसको बिल्कुल भी आग पर नहीं पकाना है। जैसे ही हम कचरी को कढ़ाई में डालेंगे गैस को तुरंत बंद कर देंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा सा और टेंगी फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस और अच्छे से मिला देंगे और इसको ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। टंटना, तो लीजिए हमारी कचरी की एक नई स्पेशल रेसिपी बनकर तैयार हो गई है और आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। ऐसे ही अच्छा अच्छा बनाते रहिए, अच्छा अच्छा खाते रहिए, फैमिली को खिलाते रहिए। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।